नंबर वन, कुतुबी रीच समुंदरी सिकंदारियों के तौर पर दर्जा बंद है, चौंका वो अपनी खुराक और रहाइश के लिए समुंदर पर इन्हिसार करते हुए अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा आर्किटेक्ट ओकियानूस की समुंदरी बर्फ पर गुजारते हैं। इसलिए कुतुबी रीच की वाहत अनवाह है जिन्हें समुंदरी ममालिया जानवर समझा जाता है। नंबर टू, कुतुबी रीच दरअसल स्याह होते हैं, सफ़ेद नहीं। कुतुबी रीच की खाल पर बासी होती है और सिर्फ सफ़ेद दिखाई देती है क्योंकि ये नज़र आने वाली रोशनी को मुनक्कस करती है। इस तमाम मोटी खाल के नीचे इनकी जिल्द बिल्कुल स्याह है। नंबर थ्री, वो एक वक्त में दिनों तक मुसलसल तैर सकते हैं, पानी में 6 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचने के साथ साथ कुतुबी रीच बर्फ के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक पहुंचने के लिए तवैल फासले तक और मुसलसल कई घंटों तक तैर सकते हैं। इनके बड़े पंजों को खास तौर पर तैराकी के लिए डाल लिया गया है जिसे वो पानी में पैडल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और अपनी पिछली टांगों को पत्थर की तरह चिपटने वाली रखेंगे। नंबर फोर, कुतुबी रीच 2% से कम शिकार कामयाब होते हैं। अगरचे कुतुबी रीच की जिंदगी का तकरीबन आधा हिस्सा खुराक के शिकार में गुजरता है लेकिन इनके शिकार शाज़ो व नादर ही कामयाब होते हैं। कुतुबी रीचों का बुनियादी शिकार अंगूठी वाली नहरों और दाढ़ी वाली नहरों पर मुश्तमिल होता है, हालांकि वो लाशों को भी निकालेंगे या छोटे स्तनधारियों, परिंदों, अंडों और पौधों के लिए आबाद हैं। नंबर फाइव, साइंसदान कुतुबी रीच का DNA सिर्फ इनके कदमों के निशानात से निकाल सकते हैं कि तैयार करदा एक जदीद नई तकनीक साइंसदानों को बर्फ में कुतुबी स्पेंजन माहिर DNA को अलग करने की इजाज़त देती है। कुतुबी रीच की पटरी से बर्फ के दो DNA रीच के कदमों के निशान से छोटे टुकड़ों ने सिर्फ कुतुबी रीच की DNA का इंकशाफ किया बल्कि इसने हाल ही में खाई हुई माहिर से भी जाहिर किया। नंबर सिक्स, इन्हें मौसमियाती तब्दीली से ख़तरा होता है। मौसमियाती तब्दीली से समुद्री बर्फ़ पिघलने से इंसानी कुतुबी रीच के नाजात में इजाफा हुआ है। जब भूखे कुतुबी रीच गर्मियों में खुराक की तलाश में निकलते हैं, खुशकिस्मती से लोग कुतुबी रीच की मौजूदगी के मुताबिक डालना सीख रहे हैं और तसादम के ख़तरे को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। नंबर सेवन, ग्रिजली कुतुबी रीच हाइब्रिड मौजूद है। जैसा कि हाल ही में 2006 की बुनियादी जांच में पोलर बेयर ग्रिजली बेयर हाइब्रिड के जरिए मौजूद की तस्दीक की है, जिन्हें ग्रोलर ग्रिजली हेयर भी कहा जाता है। हाइब्रिड जिस्मानी तौर पर दो नस्लों के दरमियान एक इंटरमीडिएट से मुशाबत रखता है लेकिन चौंका जंगली हाइब्रिड आम तौर पर कुतुबी रीच के माओं से पैदा होते हैं। इनकी परवरिश और बर्ताव कुतुबी रीच की तरह होता है। कुतुबी रीचों और ग्रिजली रीचों के दरमियान अफजाइश नस्ल की काबिलियत हैरत की बात नहीं है। जब आप 19 जैली आबादी हैं, तकरीबन 26,000 जंगली कुतुबी रीचों की कुल आबादी को 19 इकाइयों या जैली आबादियों में तकसीम किया गया है। इनमें से सिर्फ एक जैली आबादी बढ़ रही है, 5 मुस्तकम हैं और 4 सवाल का शिकार हैं, बाकी 9 का अंदाज़ा नहीं लगाया गया क्योंकि इनमें डाटा की कमी है। हमारे पास इनके बारे में इतनी मालूम नहीं है कि वो जान सके कि वो कैसे रह रहे हैं। नंबर 9, नर कुतुबी रीच का वज़न 10 मर्दों जितना हो सकता है। नर कुतुबी रीच का वज़न 800 किलोग्राम तक हो सकता है और इनका साइज़ खवातीन से 2 गुना होता है। ये इस हकीकत के अलावा कि वो 3 मीटर तक लंबा नाप सकते हैं। कुतुबी रीच को दुनिया का सबसे बड़ा
ज़मीनी कोश पर बना देता है। नंबर 10, वो अपने शिकार को 1 किलोमीटर तक दूर से सूंघ सकते हैं। कुतबी रीछों में सूंघने की शदीद हस्त होती है, जिसे वो बर्फ में सांस लेने के सुराखों को तलाश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब इसे सुराख मिल जाए तो रीछ सब्र से इंतजार करते हैं जब तक के मर हमला करने के लिए हवा के ऊपर ना आ जाए, यहाँ तक कि वो कंपैक्टेड बर्फ के 1 मीटर के नीचे पानी में मोहर का पता लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनिमल प्लैनेट पीके।